लोकसभा चुनाव में बीएसपी से गठबंधन के बावजूद सपा को करारी हार मिली। हार के बाद से ही लगातार खबरें आईं कि मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव और पार्टी से अलग हो चुके अपने भाई शिवपाल सिंह यादव को फिर से एक साथ लाने की कवायद में जुटे हैं। सोमवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब लखनऊ में बीमार चल रहे मुलायम सिंह यादव का हालचाल लेने पहुंचे, तो इस दौरान वहां पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव भी मौजूद थे। ऐसे में जो राजनीतिक तस्वीरें उभर कर आई उसके सियासी मायने काफी अहम है। राजनीतिक कयासबाजी का दौर तेज हो गया है कि क्या मुलायम सिंह यादव परिवार की सेहत को दुरुस्त करने में जुटे हैं। सवाल ये भी है कि क्या वो चाचा भतीजे के बीच गहरी हो चुकी सियासी खाई को पाट पाएंगे। आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव बेटे अखिलेश और भाई शिवपाल के बीच सुलह कराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बीच मतभेद दूर करने के लिए पिछले दिनों मुलायम ने अखिलेश यादव और शिवपाल से अलग अलग मुलाकात भी की थी। हाल ही की बात करें तो लोकसभा चुनाव के पहले से शिवपाल और अखिलेश को एक साथ नहीं देखा गया, लेकिन अब जब मुलायम सिंह की तबीयत खराब है तो सोमवार को दोनों नेताओं को मुलायम के घर पर एक साथ देखा गया। इसके बाद से राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मुलायम सिंह यादव अपने कुनबे में सुलह करा पाएंगे और शिवपाल यादव की क्या सपा में एक बार फिर वापसी होगी। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि शिवपाल यादव अभी भी सपा से ही विधायक है। इसके बावजूद शिवपाल की सदस्यता को खत्म करने के लिए सपा आलाकमान की ओर से आज तक किसी तरह की कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई, जबकि शिवपाल सपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अभी भी सुधार की गुंजाइश छोड़ रखी गई है।